Dear students, in this video lecture, I will explain you coefficient of restitution. Coefficient of restitution. Okay? और कोफिशिएंट ऑफ रेजिलिएंस, ठीक है, तो इसका एक नेम होता है कोफिशिएंट ऑफ रेजिलिएंस और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. इट इज डिनोटेड बाय ई, इसको हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय ई, स्मॉल लेटर ई. ई इक्वल कोलिजन, ई इक्वल सपोज दैट इसका फॉर्मूला है हमारे पास बी टू माइनस बी वन अपॉन यू वन माइनस यू टू. ये वेलोसिटीज हैं आफ्टर कोलिजन एंड बिफोर कोलिजन की. तो रिलेटिव वेलोसिटी से लिखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी separation means after collision upon relative velocity of approach, relative velocity of approach means before collision. Okay, E is the coefficient of restitution. ये इसका हमारा formula है, E equal relative velocity of separation, यानी after collision and before collision. The definition of coefficient of restitution is, the coefficient of restitution is defined as, it is the ratio of relative velocity of separation after collision and relative velocity of approach before collision. Okay? It is denoted by E. E equal B2 minus B1 or U1 minus U2. Suppose that कोई body है इस तरह से, इसकी velocity U1, इसकी velocity U2, इसका mass M1, इसका mass M2, collision या during collision एंड आफ्टर कोलिजन, इसकी वेलोसिटी V1 और इसकी वेलोसिटी V2. तो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी, ठीक है. ये नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर परफेक्टली इलास्टिक बॉडी के लिए या फॉर इलास्टिक कोलिजन, फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन विल बी ई इक्वल 1 और फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन विल बी 0. मींस ऑल टाइप कोलिजन्स के लिए जो
1 okay means 0 greater than e D for dimension, elastic collision in one dimension.